गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। लास्ट वीडियोस एक्सरसाइज 7.3 का होगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और पढ़ाने में मन लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान है। क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज के शीर्ष जिसका नियामक दिया है -4 और 2, 2 और 6, 8 और 5 और 9 और -7 है। दिखाएं कि इस चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यानी कि आपका ABCD क्या दिया गया है? चतुर्भुज दिया गया है जिसका नियामक आपको दिया गया है और इसके मध्य बिंदु ABCD AD है, इसके मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक समानांतर चतुर्भुज बनता है। ये मुझे साबित करना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सबके मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकालने के बाद इसकी चारों भुजाएं और दोनों क्या करेंगे, विकर्ण को ज्ञात कर लेंगे। हम दिखा देंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और विकर्ण इसके बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या चीज है? समानांतर चतुर्भुज है। चलिए ध्यान देते हैं क्या है। माना कि चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A का नियामक कितना? -4, 2, B का कितना? 2 और 6, C का कितना? 8 और 5 तथा D का कितना? 9 और -7 है। P, Q, R तथा S क्रमशः AB, BC, CD और AD का क्या है? मध्य बिंदु है। मैंने मान लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए हमें सिद्ध क्या करना है, चतुर्भुज PQRS से क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। प्रमाण में हम क्या चलते हैं? AB क्या है? AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। इस AB का मध्य बिंदु क्या है? P है। हम उसके कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा? x1 + x2 / 2 + y1 + y/2 हो जाएगा। कितना यहाँ पर हो गया? -2/2, 8/2 कट जाएगा। कितना? 1, ये कितना हो जाएगा? 4, -1, 4। P का नियामक कितना हो गया? -1, 4 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, फिर BC का मध्य बिंदु क्या है? Q है। उसी प्रकार हम इसका नियामक ज्ञात कर लेते हैं। तो ऐसे भी आप ज्ञात करते हैं, कर सकते हैं। 8, 8, 2, 10, 10/2, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 6, 5, 11, 11/2 हो जाएगा, है ना। उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। CD का मध्य बिंदु क्या है? R है। CD का मध्य बिंदु क्या है? R है। आप निकाल लीजिए यहाँ से, 8 + 9/2 + 5 - 7/2, 17/2 हो जाएगा। और -2/2 का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यहाँ से मैंने ज्ञात कर लिया तो कितना हो गया आपका? 17/2 - -1 हो गया। उसी प्रकार आप क्या ज्ञात कर लीजिए, AD का मध्य बिंदु क्या है? S है। तो क्या हो जाएगा? -4 + 9/2 और 2 - 7/2 हो गया 5/2 और -5/2 कितना निकल गया? 5/2 और -5/2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हमें दूरी ज्ञात करना है, इसके भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है दूरी फॉर्मूला से। किसको ज्ञात करेंगे? PQ, QR, RS और SP को ज्ञात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या है, दूरी सूत्र क्या होता है? तो रूट अंडर दूरी सूत्र बराबर x1 - x2² + y1 - y2² हम यहां से PQ निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, PQ निकालते हैं, इस PQ के निकालते हैं ना, तो रूट अंडर -1 - 5² + 4 - 11/2² वही ना किए, वही कर रहे हैं ना। तो कितना हो गया? -6² यहाँ से एलसीएम लिया तो 4 × 8 - 11/2। अब ध्यान दें, 6² = 36, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? -3 और 3² = 9, 9/4। इधर कितना हो जाएगा? 36 + 144 + 9/4 = 143/2 यूनिट। क्या आ गया आपका? PQ का मान हो गया। उसी प्रकार मैं क्या निकालता हूँ? QR का मान निकालते हैं। दोनों को कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए वहां पे, है ना, x1 - x2² + y1 - y2² यहाँ पर कितना हो जाएगा? बटा कुछ 1 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 × 10 - 17/2² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम 1, तो इधर चला जाएगा 2 + 11 + 2/2² यहाँ पर कितना हो जाएगा? -7/2, यहाँ 13/2, 7² = 49/4, 13² = 169/4 दोनों का एलसीएम लिए तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 49 + 169/4 कितना हो गया? 218/2 यूनिट, 218/2 यूनिट आ गया। अब ध्यान दीजिए,
हम फिर क्या निकाल रहे हैं, आर एस निकाल रहे हैं, आर एस दोनों का कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए, तो रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर। एलसीएम कितना हो जाएगा, दो, ग्यारह में से पांच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा एलसीएम दो, तो माइनस दो प्लस पांच के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बारह, और यहाँ पर कितना हो गया बारह पाँच सत्रह, तो बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस, एक सौ चौवालीस बटे चार, या तीन तीन नौ, नौ बटे दो कितना हो जाएगा एक सौ चौवालीस प्लस नौ बटे चार एक सौ तिरपन बटे टू यूनिट हो जाएगा। तथा एसपी लास्ट जो हमको निकालना है, एसपी दोनों को पुट कर रहे हैं, रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे एलसीएम पूछेगा कितना हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा दो, तो पांच दो सात, यहाँ पर कितना हो जाएगा चार दुनिया आठ, आठ और माइनस पांच, आठ पांच तेरह हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सात बटे दो माइनस तेरह बटे दो, सत्रह उनचास बटे चार और तेरह के चौहत्तर बटे चार, एलसीएम कितना हो जाएगा चार, दोनों का एड करेंगे कितना आ जाएगा दो सौ अठारह बाई टू यूनिट। विकर्ण हमें क्या निकालना है, पी आर निकालना है, विकर्ण क्या निकालना है पी आर निकालना, दोनों कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, तो एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम कितना, तो कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा दो, यहाँ चल जाएगा दो, सत्रह दो उन्नीस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा चार एक पांच, उन्नीस के स्क्वायर तीन सौ इकसठ बटे चार, पांच के स्क्वायर पच्चीस, एलसीएम पच्चीस चौका सौ हो जाएगा, पच्चीस चौका सौ, तो तीन सौ इकसठ प्लस सौ बराबर कितना होगा चार सौ इकसठ बटे टू यूनिट। एक विकर्ण आपका आ गया पी आर आ गया। दूसरा विकर्ण हम यहाँ ज्ञात करते हैं क्यू एस ज्ञात करते हैं, क्यू एस बराबर क्या है रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर, क्यू एस इसको ज्ञात करते हैं ना, क्यू और एस इसको ज्ञात करें, एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया कुछ नहीं तो एलसीएम दो कितना हो गया इधर चला दिया पांच, पांच हो जाएगा पांच दुनिया दस हो जाएगा ना, सॉरी ऐसे ही फाइव में से फाइव बाई टू, यानी कि पांच में से अढ़ाई हटाएंगे तो पांच फाइव बाई टू ही बचेगा, यहाँ पे कितना हो गया ग्यारह बटे दो, पांच बटे दो ग्यारह पांच सोलह, सोलह बटे दो पांच के स्क्वायर पच्चीस बटे चार और सोलह का दो सौ छप्पन बटे चार, दोनों को जोड़ दिया कितना चार सौ इक्यासी बाई टू रूट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या अंत में लिखेंगे, हमें क्या आया आमने सामने की भुजा आया, आप ध्यान दीजिए पी क्यू, पी क्यू का मान, पी क्यू का मान, पी क्यू का मान और आपका आर एस का मान, पी क्यू और आर एस दोनों क्या आया है बराबर आया है, और क्यू आर और पी एस क्या आया है बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि चूंकि आमने सामने की भुजा है ना, आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा कौन कौन, पी क्यू बराबर एस आर तथा तथा क्यू आर बराबर पी एस है ना, साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या है विकर्ण, विकर्ण कौन कौन विकर्ण, विकर्ण आपका क्या दिया है पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, अतः अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एक कैसा चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज का एक गुण कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर नहीं होती है, अगर विकर्ण बराबर हो जाता तो क्या बन जाता आयत बन जाता। चलिए ध्यान दीजिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना, 32 नंबर, 32 आपसे बन जाएगा ना, जैसे आप 29 बनाए हैं ना सेम उसी प्रकार से आपका 32 है, जैसे आप 29 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार आप 32 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए सेम उसी प्रकार से, और कुछ नहीं एकदम सेम उसी प्रयोग का करना है उसी थ्योरी का। मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 है ना, ध्यान दीजिए 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु है ना, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है आधी होती है। जैसे मान लिया जाए कि एबीसी क्या है त्रिभुज है ना, एबीसी एक त्रिभुज है, तो इसकी इस त्रिभुज के दो भुजा मैंने एबी और एसी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू लिया, तो ये पी क्यू की जो लंबाई होगा वो क्या होगा बीसी के आधी होगी, यही मुझे प्रूव करना है। तो ये तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्री में अप्रूव होता ही है, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ए बी और सी का हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं एक्स वन बाय वन, बी को मान लेते हैं एक्स टू बाय टू, और सी के निर्देशांक को क्या मानते हैं एक्स थ्री बाई थ्री मान लेते हैं। फिर यहाँ से ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का निकल जाएगा, यहाँ से क्या होगा मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए फिर पी क्यू के क्या करेंगे हम दूरी निकाल लेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी निकाल लेंगे और बीसी के दूरी निकालेंगे और दिखा देंगे कि हम पी क्यू बराबर बीसी बाई टू या बीसी बराबर टू पी क्यू। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं, माना कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए एक्स वन बाय वन, बी एक्स टू बाय टू तथा सी एक्स थ्री बाय थ्री नियामक है, P और Q क्रमशः AB और AC का क्या है मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है BC बराबर PQ बाई 2 करना है, आधी होती है ना, चूंकि P AB का क्या है मध्य बिंदु, इसे P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस P का निर्देशांक क्या हो जाएगा X1 प्लस X2 बाई 2 और Y1 प्लस Y2 बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार
क्यू क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्यू बराबर क्या होगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री बाई टू और बाय वन प्लस बाय थ्री बाई टू। इसी प्रकार ये पी का नियामक निकल गया और क्यू का नियामक निकल गया। अब हम निकालते हैं पी क्यू के, है ना, पी क्यू की दूरी निकालते हैं, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो दूरी फॉर्मूला से रूट अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू, ध्यान देगा जब भी माइनस आएगा, जब भी माइनस आएगा तो घेर करके लिखेगा, है ना, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल, क्योंकि माइनस से गुणा होता है तो प्लस वाला क्या होता है माइनस, और माइनस वाला क्या होता है प्लस हो जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, इस माइनस से गुणा करते हैं x1 प्लस x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा माइनस x3 टोटल का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2, यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा दो, y1 प्लस y2, माइनस से गुणा होता है माइनस y1 माइनस y3 के होल स्क्वायर, ये y1 ये y1 कट गया, ये x1 x1 कट गया, क्या बचा x2 माइनस x3 by 2, x2 माइनस x3 बाई टू के होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाई थ्री के बाय टू माइनस बाई थ्री बटे दो का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ नीचे वाला का वर्ग कर रहा हूं, सिर्फ नीचे यानी दो का वर्ग चार कर दे, बाकी ऊपर वैसे रहते तोड़ते नहीं है, x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर बाई फोर और बाय टू माइनस बाई थ्री के होल स्क्वायर बाई फोर। अब इसका एलसीएम कितना होगा चार होगा, तो x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय थ्री के होल स्क्वायर बाय फोर, और चार का वर्गमूल कितना हो जाएगा दो, क्या हो गया x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय थ्री के होल स्क्वायर, रूट अंडर में ही था। अब दो को इधर भेजे थे क्योंकि आ रहा था पी क्यू बराबर आ रहा था ना, तो टू पी क्यू इस दो को भेज दिए इधर, टू पी क्यू बराबर क्या हो गया रूट अंडर x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय थ्री के होल स्क्वायर, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं BC, इसकी लंबाई ज्ञात करें तब ना हम दोनों को दिखा देंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x3 के होल स्क्वायर प्लस बाय टू माइनस बाय थ्री के होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इतना के स्थान पे, इतना के स्थान पे हम क्या लिखेंगे टू पी क्यू लिखेंगे, कहां से लिखेंगे जी, तो समीकरण एक से, समीकरण एक से हो गया, तो BC बराबर क्या हो गया टू पी क्यू, पता पी क्यू बराबर क्या हो गया BC बाई टू, प्रूव करना बहुत आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सबका क्या है, 34 नंबर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ है नहीं, या इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, या किसी भी एक्सरसाइज में अगर स्टडी आप करते हैं तो कुछ रहता नहीं है, सिर्फ बस थोड़ा बहुत समझना होता है, अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ भी आसान है, आईएएस बनना भी आसान है, अगर नहीं समझते हैं तो एक का टेबल लिखना भी बहुत हार्ड है ना, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, हिंट लीजिए, बाकी घर पर मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए, खूब पढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि पी क्यू आर त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA और AB का क्या है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के केंद्र क्या होते हैं समपाती होते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ABC एक का आपका क्या दिया गया है ट्रायंगल दिया गया है ना, जिसमें मैंने मान लिया कि A का कोऑर्डिनेट माना x1 by 1, B को x2 by 2, C का x3 by 3। अब कह रहा है बिंदु P जो है AB को, Q जो है BC को और R जो है सॉरी बी जो है BC को क्यू सॉरी त्रिभुज ABC में P जो है AB को, Q जो है BC को और R जो है AC का क्या है एक ही अनुपात में क्या करती है समद्विभाजित करती है। तो मैं मान लेता हूं कि एक अनुपात एक, एक अनुपात एक, एक अनुपात एक में क्या करती है वो समद्विभाजित करती है, बराबर भाग में विभाजित करती है। इससे यह फायदा हो जाएगा कि ये इसका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना मुझे आसान हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना आसान होगा, इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट, इसका भी मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट, इसका भी मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। केंद्र का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं एबीसी के लिए आप क्या निकालिएगा, केंद्र का फॉर्मूला क्या निकालेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री और बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बाई थ्री निकालेगा। उसी प्रकार आप पी क्यू आर का केंद्र भी क्या निकालेगा इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको अगर पता है तो आप क्या निकाल लीजिएगा वही फॉर्मूला से पुट करके निकाल के हम क्या करेंगे दोनों को दिखा देंगे कि दोनों क्या है सेम ही है। चलिए ध्यान दीजिए हमें क्या माना, माना कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के नियामक ए का नियामक एक्स वन बाय वन क्या दिया गया है एक्स वन बाय वन, बी का एक्स टू बाय टू, सी का एक्स थ्री बाय थ्री है। माना कि पी क्यू आर क्रमशः एबी बीसी तथा एसी को एक ही अनुपात वन इज टू वन के अनुपात में क्या करती है विभाजित करती है। हम यहां पर लिखे चुके पी क्यू आर क्रमशः एबी बीसी एसी का क्या है मध्य बिंदु, कैसे मध्य बिंदु क्योंकि एक अनुपात एक के अनुपात में बांटती है यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। अब ध्यान दीजिए इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2, Q का क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 by 2 और y2 प्लस y3 by 2, R का क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 by 2 और y1 प्लस y3 by 2 हो जाएगा। यहां से मैंने P का निकाल दिया, Q का निकाल दिया, R का निकाल दिया। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ABC में केंद्रक का नियामक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y
थ्री बाई थ्री, इसको मैंने मान लिया समीकरण वन। अब हमें चलना है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में केंद्रक का नियामक क्या होगा, एक्स वन, ध्यान दीजिए एक्स वन यहां से लिए है ना, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बाई थ्री, पी क्यू आर में आप जाइए, ध्यान दीजिए यह है एक्स वन, यह आपका क्या एक्स टू, यह है आपका क्या एक्स थ्री, यह आपका क्या है बाई वन, यह आपका क्या है बाई टू, यह आपका क्या है बाई थ्री। अब ध्यान दीजिए सभी में आओ ऊपर रिलेशन कितना होगा, दो होगा, जब दो होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन कितना है दो है, एक्स टू कितना है दो है, एक्स थ्री कितना है दो, तो टू को हमन ले लिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, अब पहले से बटा में तीन था, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसी प्रकार ये काम किए तो बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बटा तीन ये कट गए। अब ध्यान दीजिए समीकरण दो को देखिए, समीकरण एक को देखिए, दोनों सेम चीज है, अंत में हम क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी के केंद्र क्या है, समपाती है। चलिए स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चंस को बनाइए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4।